हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो ये वीडियो ट्यूटोरियल पे होने वाला है, वो भी ट्यूटोरियल किसका होगा गाइस, ये जो फैल्कन जो बर्ड है इसका ही होगा गाइस, और कलर पेंसिल से गाइस बनाने वाले हैं। सो आप लोगों का स्वागत है गाइस मेरे यूट्यूब चैनल आर्टिस्ट ध्रुविक पे। सो गाइस आज हम लोग इस फैल्कन पेट का जो आउटलाइन बनाने वाले हैं, आउटलाइन ट्यूटोरियल पार्ट वन है गाइस। तो ठीक है, जो इस जो रेफरेंस फोटो है गाइस, यही रेफरेंस फोटो को आपको ग्रिड वाला ही रेफरेंस फोटो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा गाइस, ठीक है। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और देख देख के बना सकते हो गाइस। तो सबसे पहले गाइस आप लोगों को कुछ नहीं करना होगा, ग्रिड बनानी होगी जैसा कि मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। जिस तरह से ग्रिड बनानी है मैं सिखा दूंगा आपको कि कितने रोज और कितने कॉलम्स करने हैं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले ऊपर में देख सकते हो गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो ऊपर में आपको 9 करने हैं और ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे में यहाँ पे आपको 7 करने हैं, ठीक है। ये जो है वो यहाँ पे 7 करने हैं और ये 9 करने गाइस, तो भूलना मत, ठीक है। ये है 7 और ये 9। तो सबसे पहले गाइस मैं भी ग्रिड बना देता हूँ गाइस। सो मैं ये A3 साइज का पेपर यूज़ कर रहा हूँ गाइस। तो 2-2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स रहेगा गाइस, जैसा कि आप लोग को देख सकते हैं मैंने माप लिया है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर का है बॉक्स, तो ठीक है, और देख सकते हो आपके सामने भी मैं माप रहा हूँ 2 सेंटीमीटर का मैं सो है, ठीक है गाइस। तो हर एक बॉक्स आपको 2 सेंटीमीटर का रखना है, और मैंने आपको वापस से बता रहा हूँ गाइस, ध्यान से सुना गाइस, ठीक है। ऊपर 9 बॉक्स हैं और यहाँ पे 7 बॉक्स हैं, एक बार और गिन लेते हैं गाइस, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे 7, ठीक है गाइस। तो बनाना स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्रिड बना दूंगा गाइस, ठीक है। तो उसी तरह का आपको फॉलो करना है गाइस, जैसे मैं ग्रिड बनाऊंगा मैंने आपको समझा दिया गाइस अच्छे से गाइस। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो आप बैक कर सकते हो और उसके बाद आप अच्छे से समझ लीजिए गाइस कि कैसे ग्रिड बनानी है गाइस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस मैंने ग्रिड बना लिया गाइस, देख सकते हो आप लोग। और हाँ गाइस, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोच रहे होंगे गाइस कि पेपर इतना छोटा क्यों कर दिया भाई इसने। सो मैंने आपको गलत बोला था गाइस, उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा गाइस। मैंने ये A3 साइज का पेपर था, उसे मैंने कट कर लिया है गाइस, देख सकते हो उसके टुकड़े भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, मैंने कट कर लिया है। क्यों कट किया गाइस मैं आप सभी लोगों को इसका रीज़न बताने वाला हूँ गाइस, क्योंकि ये जो रेफरेंस फोटो है देख सकते हो आप लोग, जो कि मैंने आपको बताया कि यही रेफरेंस फोटो आप सभी लोगों को ड्रॉ करना है। सो ये रेफरेंस फोटो काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है और छोटा ही है, तो छोटे में आ जाएगा। सो मैंने जो ठीक है, और 2 सेंटीमीटर का मैंने बना लिया ग्रिड, तो 2 सेंटीमीटर का A3 साइज में काफ़ी बड़ा ग्रिड लग रहा था गाइस। तो मैंने जो ग्रिड था उसके हिसाब से मैंने पेपर को अच्छे से कट कर लिया गाइस, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और हाँ गाइस, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ पहले से ही, क्योंकि यार मैंने आपको नहीं बताया कि ऐसे कट भी करना है, तो ठीक है अभी मैंने कट कर लिया, आप भी इसी तरह से कट कर सकते हो। अगर आपको नहीं करना कट, तो A3 साइज के पेपर में इतनी ग्रिड रहेगी और बाकी का खाली एरिया रहेगा, तो उसके अंदर आपको बैकग्राउंड बनाना है गाइस, तो बैकग्राउंड बना सकते हो। अगर नहीं बनाना है तो कुछ नहीं कर सकते गाइस, उसको कट ही करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा गाइस, ठीक है। सो इतना हमने कर लिया है, ठीक है, ग्रिड बना लिया है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस, ठीक है, ड्राइंग करना। सबसे पहले गाइस आई कौन से बॉक्स में है मैं गिन लेता हूँ गाइस, जो कि आप आई देख सकते हो, ये कौन से बॉक्स में हमें गिनना है गाइस, और उसके बाद ही पेपर भी हमें बनाना है गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई को गिन लेते हैं। सो मैं गिन लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, इधर से 6 है गाइस, और इधर से देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 6 वाले बॉक्स में है गाइस, और इधर से 2 बॉक्स है, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो हमें कुछ नहीं करना, देख सकते हो मैं ग्रिड गिन रहा हूँ गाइस, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे और 1 और 2, यहाँ पे हमारी आई बनेगी गाइस, देख सकते हो यहाँ पे बनेगी आई, और देख सकते हो गाइस यहाँ पे आई बनेगी हमारी, जो कि देख सकते हो आप लोग भी मार्क कर लेना, और आई बनाना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। और जैसा कि हमें रेफरेंस फोटो में दिया गया है, ये रेफरेंस फोटो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो देख सकते हो आपको शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हो इस वाले बॉक्स में आएगी, ठीक है, देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 पे है, और यहाँ से 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे मार्क कर लेना गाइस, जैसे कि मैंने मार्क किया है, देख सकते हो। तो ठीक है, अब वो शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, सॉरी उसके लिए गाइस, ठीक है। और हाँ गाइस, अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। सो मैं देख रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके अच्छे से मैं गाइस बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, और क्या गाइस,